many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't. हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं चैनल रॉकस्टाइल। तो भाई लोग, आज मैं इनविजिबल ड्राइवर पे जो ट्रिक है नया भाई, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम पूरा देखेंगे भाई उसे करते कैसे और उसके करने के फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो हम ए टू जेड चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो भाई लोग, बीस अगर चैनल पर नए तो लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। तो भाई लोग, जो चेयर वाला मोड हमें देखने को मिलता है, तो भाई वो इवेंट मोड पे देखने को नहीं मिलता है। तो आपको इवेंट मोड को सिंपली बंद कर देना है। मैंने यहाँ पे सोलो स्क्वाड को स्टार्ट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई लोग, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे लोबी पे। आप लोग क्लियरली देख सकते हो भाई, यहाँ पे कोई भी मम्मी देखने को आपको नहीं मिल रहा है, ये इवेंट मोड नहीं है। तो फटक से मैं दिखाऊँगा अभी पोचिंग के उतर के कि भाई वो कुर्सी मुझे कहाँ देखने को मिलता है। तो भाई, जब मैं ऊपर से उतर रहा था तो मुझे तो कोई कुर्सी यहाँ पे देखने को नहीं मिली। तो मैंने सोचा भाई मैं कुछ लूट लूँ, तो कुछ मिलता नहीं है, मुझे बस एक पिस्तौल मिलता है। तो फिर मैं भाई पिस्तौल लेके भाई मैं उस जगह जाता हूँ, तो भाई मुझे यहाँ पे चेयर देखने को मिल जाती है। तो उसके बाद भाई लोग, मुझे चाहिए होती है गाड़ी। तो भाई मैं गाड़ी लेने के लिए चले जाता हूँ भाई थोड़े आगे की तरफ। तो फिर मुझे यहाँ पे डासिया मिल जाती है, आधी अंदर ज़मीन में घुसी हुई। तो उसको लेके भाई मैं जैसे ही बाहर आता हूँ तो मुझे कुछ गन शॉट की यहाँ पे आवाज़ आती है। तो भाई मैं बंदे को मारने के लिए चला जाता हूँ। तो भाई लोग, यहाँ पे मैं कुछ स्क्वाड को वाइप करने के बाद, मैं यहाँ पे कुछ बोट्स को भी मारने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ गाड़ी के पास। उसके बाद भाई आप देखो ये पूरा गेम प्ले, मैं कैसे इन लोगों को मारता हूँ। तो भाई गाड़ी लेने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ। तो भाई मैं यहाँ पे बहुत बार ट्राई करता हूँ, मुझे यूज़ और भाई ड्राइव का बटन हमको एक साथ दबाना है। तो भाई मैंने यहाँ पे दबाया, बहुत बार ट्राई किया, मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ। तो फाइनली भाई यहाँ पे हो जाता है मेरा। तो आप देख सकते हो भाई, जो मेरा कैरेक्टर है वो कुर्सी के पास पे ही है और मैं यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ। तो भाई गाड़ी में आपको कोई ड्राइवर यहाँ पे शो नहीं होगा। तो भाई एक बात आप जान लो, अगर आपका वहाँ पे भाई कैरेक्टर बैठा हुआ है और उसको पीछे से कोई मार देता है, तो भाई आप गाड़ी चलाते रहो या फिर कुछ भी करते रहो भाई, आप मर जाओगे। तो इतना बात पे आप ध्यान रखना। देख सकते हो यहाँ पे बोट मुझे मार रहा है, कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ मैं उस जगह, लेकिन भाई जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे डैमेज गाड़ी पर यहाँ पर फील हो रहा है। तो इसके लिए भाई मैं यहाँ पर बोट को पहले मार देता हूँ। तो उसके बाद आप देख सकते हो भाई, एक और बोट आ जाता है भाई मेरे कैरेक्टर को मारने के लिए। तो मैं यहाँ पे गाड़ी पे तो फिलहाल मैं सेफ हूँ, लेकिन भाई मुझे डैमेज हो रहा है फिर भी। मुझे एक्चुअली गाड़ी पे डैमेज होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है भाई, मुझे डैमेज हो रहा है क्योंकि वहाँ पे बोट मुझे मार रहा है। तो आगे से एक और गाड़ी जा रहा था, तो फिर मैंने सोचा भाई इस गाड़ी का पीछा करूँ। तो भाई मेरा यहाँ पर फ्यूल खत्म हो जाता है और जैसे ही मैं उतरता हूँ भाई, मेरा कैरेक्टर भी यहाँ पर साथ पे आ जाता है। तो भाई इसका फ़ायदा यही है कि आपको कोई भाई पकड़ने नहीं सही, और नुकसान सबसे बड़ा ये है कि भाई अगर वहाँ पे आप बैठे हुए और वहाँ पे कोई आपको मार देता है, तो भाई आप डायरेक्ट किल हो जाओगे और भाई आपको रिवाइव भी कोई देने नहीं सकेगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बस आज के लिए इतने हैं दोस्तों। अगर वीडियो पर नया हो तो पहले वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना दूसरे के साथ में। तो फिर मिलेंगे कौन है वीडियो पर, तब तक के लिए सी यू, बाय।